व्हाट्सअप गाइस, आज एक और न्यूज रिलेटेड वीडियो लाए हैं पाकिस्तान की मीडिया में। भाई साहब, ऐसा माहौल हो चुका है बजट देखकर, तो थंबनेल है नींदे उड़ गई। यह डिफेंस बजट नहीं, हमारी बर्बादी का सामान। रक्षा बजट का आंकड़ा देख पाकिस्तान सुन। ओ भैया, लेट्स सी द क्या है रिएक्शन वहां की पाक मीडिया का। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, हिंदुस्तान स्पेशल चैनल से कर दें वीडियो को लाइक, चैनल तो सब्सक्राइब। 1 2 3 गो। जिसके लिए पहले का दिफाई बजट 5.25 खरब रुपए था, जिसे अब 5.85 ट्रिलियन रुपए कर दिया गया है, जो इस साल भारत अपने दिफा पर खर्च करेगा। जरे मुबादला के जखायर आखिरी हदों को छू रहे हैं और IMF मुआहदा बहाल करने के लिए हमें खून के आंसू रुला रहा है। भारत ने इस बार अपने दिफाई बजट में 13% का इजाफा किया है। पाकिस्तान में भी आज की खबर है कि विकिपीडिया को बैन कर दिया गया है। तो कभी हम यूट्यूब को बैन होता देखते हैं पाकिस्तान में, कभी अमेज़न पाकिस्तान से वापस चला जाता है। महंगाई ऊपर से ऊपर जा रही है, गरीब तो गरीब, मिडिल क्लास के चूल्हे भी ठंडे हो रहे हैं। मोदी हुकूमत अपने बहरी जंगी बीड़े की तामीर के लिए तकरीबन $3 अरब के साथ मजीद तैयारों समेत फजाइया की खरीदारी के लिए $7 अरब खर्च करने का इरादा रखती है। और भारत की मोदी सरकार ने जंगी जुनून की इंतहा करते हुए गुज़श्ता 5 वर्षों के दौरान जो $24 अरब के फौजी हथियार और जंगी साजो सामान खरीदे हैं, इसका हदफ पाकिस्तान और चीन है, जिसमें उन्होंने डिफेंस बजट को तो 13% बढ़ाया है, लेकिन साथ ही साथ एजुकेशन और हेल्थ को भी बढ़ाया है। इतनी ज्यादा रकम वो खर्च कर रहा है कि उसने रूस और बरतानिया को पीछे छोड़ दिया है, जो जंगी बजट रखा गया है। बाबा जी, वो बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, नफरत पाकिस्तान में है ज्यादा। सही बात, आप पाकिस्तानी और आप ये बात। एक इंडियन मिसाइल पाकिस्तान में फायर हो गया तो हमारे DGISPR ने कहा, हम देख रहे थे आ रहा था, फिर वो 300 किलोमीटर आके चीशा वतनी के पास भी हम देख रहे थे उसको, ओनू मारो थल्ले सेटो। नहीं, मैंने लाहौर को गुजरा, मैं सलाम किया, मैं कहा अस्सलाम। गजब। हेलो फ्रेंड्स, जय हेलो, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया भारत के रक्षा बजट में 13% की वृद्धि देख काफी चिंतित दिखाई दे रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को देश का बजट पेश किया, इसमें रक्षा क्षेत्र के लिए होने वाले खर्चों का भी ब्यौरा दिया गया है। बजट दस्तावेजों के मुताबिक इस साल रक्षा बजट 5.99 लाख करोड़ रुपए तय किया गया है, जो कि 2022-23 के 5.25 लाख करोड़ रुपए के बजट से 13% ज्यादा है। यानी एक बार फिर भारत के रक्षा बजट में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस लिहाज से देखा जाए तो भारत का रक्षा बजट पाकिस्तान से 13 गुना ज्यादा है। भारत के सिर्फ रक्षा सेवाओं और प्रशासनिक खर्चों का ही जोड़ दिया जाए तो यह पाकिस्तान के रक्षा बजट के मुकाबले 9 गुना ज्यादा है। अब पाकिस्तानी मीडिया भारत के रक्षा बजट में 13% की बढ़ोतरी देख काफी परेशान दिखाई दे रहा है। चीन से कशीदगी के सबब भारत ने दिफाई बजट में जबरदस्त इजाफा किया है। भारत ने 5 वर्षों में $24 अरब का फौजी साजो सामान दरामद किया और कौमी बजट में महकमे दिफा के लिए तकरीबन $73 अरब की रकम मुख्तस कर दी है। चीन के साथ बढ़ती हुई कशीदगी के सबब भारत ने इस बार अपने दिफाई बजट में 13% का इजाफा किया है, जो एक गैर मामूली इजाफा करार दिया जा रहा है। मोदी सरकार की वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने आइंदा बरस के दिफाई खराजात के लिए तकरीबन 2.25 खरब रुपए की इजाफी रकम मुख्तस कर दी है। इससे नए हथियार खरीदने समेत जंगी तैयारों और बहरी जहाजों में इजाफे के साथ ही दीगर अस्करी साजो सामान खरीदने का भी मंसूबा बनाया गया है। और भारत ने 2023-2024 के बजट में मजमूई रकम में से 2.77 खरब रुपए फौजी अमले की तनख्वाहों और मुराद के लिए वक्फ कर दिए हैं, जबकि 1.38 ट्रिलियन रुपए रिटायर्ड फौजियों की पेंशन पर और बाकी की तमाम रकम दिफाई साजो सामान के लिए मुख्तस कर दी है। भारतीय हुकूमत ने आइंदा बरस के दिफाई बजट के साथ ही रवा बरस के बजट में भी, यानी ये जो साल चल रहा है, तकरीबन 50 खरब रुपए का इजाफा कर दिया है। ये भारतीय रवा बरस जो है वो 31 मार्च को खत्म होना है, जिसके लिए पहले का दिफाई बजट 5.25 खरब रुपए था, जिसे अब 5.85 ट्रिलियन रुपए कर दिया गया है, जो इस साल भारत अपने दिफा पर खर्च करेगा। गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान मोदी हुकूमत ने भारतीय फौज को जदीद बनाने के लिए अखराजात में ज़बरदस्त इजाफा किया है। और नाज़रीन, भारत का चीन और पाकिस्तान के साथ दैरीना सरहदी तनाज़ा है और इसकी वजह से सरहद पर कशीदगी रहती है। दोनों ममालिक भारत के साथ जंगें भी कर चुके हैं। मोदी हुकूमत अपने बहरी जंगी बीड़े की तामीर के लिए तकरीबन $3 अरब के साथ मजीद तैयारों समेत फजाइया की खरीदारी के लिए $7 अरब खर्च करने का इरादा रखती है। और भारत की मोदी सरकार ने जंगी जुनून की इंतहा करते हुए
गुज़श्ता 5 वर्षों के दौरान जो 24 अरब डॉलर्स के फौजी हथियार और जंगी साजो सामान खरीदे हैं, इसका हदफ पाकिस्तान और चीन है। भारतीय मीडिया के मुताबिक डिप्टी वजीर दिफा अजय भट्ट ने पार्लियामेंट में बताया कि गुज़श्ता 5 वर्षों के दौरान अमरीका, रूस, फ्रांस, इसराइल और स्पेन समेत भारत ने दीगर ममालिक से तकरीबन 24 अरब डॉलर्स मालियत के हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट, रडार, रॉकेट्स, बंदूकें, मिसाइल्स और राइफल्स खरीदी हैं। और वजीर दफा ने मजीद बताया कि लड़ाका तैयारे, हेलीकॉप्टर्स और जंगी साजो सामान की खरीदारी के लिए गुज़श्ता 5 वर्षों से मुख्तलिफ ममालिक की मुख्तलिफ कंपनियों, जिनकी तादाद 264 है, उनसे 264 एग्रीमेंट्स किए गए हैं। अजय भट्ट ने यह भी कहा कि भारतीय फौज ने अब ज्यादातर असले की तैयारी का काम मुकामी सतह पर भी शुरू कर दिया, जिसके तहत भारत 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पर काम जारी रखे हुए है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि भारतीय फौजी और दिफाई सलाहियतों को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा रकम खर्च करने वाले ममालिक में रूस और बरतानिया से भी भारत आगे निकल गया है, यानी इतनी ज्यादा रकम वो खर्च कर रहा है कि उसने रूस और बरतानिया को पीछे छोड़ दिया है। जो जंगी बजट रखा गया है। आपको बताएं कि अमेरिका और चीन के बाद भारत का दिफाई बजट सबसे ज्यादा है। ये काम वही हुआ है जो एक इंडियन मिसाइल पाकिस्तान में फायर हो गया तो हमारे DGISPR ने कहा हम देख रहे थे आ रहा था, देखा वो एंटर हो गया, तो फिर हमने देखा वो हमारी एक जगह पे आगे सानो बज गया और फिर ये नहीं कहता कैच करने की कोशिश कर रहे सलाम किया मैं दिल्ली तू पैगाम नहीं आंदा यही पैगाम समझो साइकिलों ने अपने हाथों से तराशे हुए जो लोग हैं, हमारे तो अपने बच्चे जो ट्रेन किए थे, ये कहते थे बच्चे हमारे तालिबान हमारे बच्चे, बच्चों ने गिरेबान पकड़ लिया है। सही बात, बिल्कुल। चीमा साहब साढ़े तो बच्चे अपने गल पै गए ना, बच्चे गल पै गए सही बात है। वो हमें तो बैलून की जरूरत ही कोई नहीं, साइकिल मोटरसाइकिल वाले काम करी जा रहे हैं। तो गुलेला ना मार लेना, गुलेला ना मार लेना उन्होंने, उन्होंने तो लोड भी कोई नहीं कही साढ़े निके होंगे जी, मैं कहता साढ़े पंजाबियों ने कहा अंदर आ जा पठान मारेगा कोचा आ गया डरने पे उन्होंने टीटीपी को लेके सही बात कही। पाकिस्तान में जब भी बजट अनाउंस किया जाता है ऑलमोस्ट हर दफा डिफेंस बजट को बढ़ाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं हेल्थ और एजुकेशन बजट को कम कर दिया जाता है। इंडिया ने रिसेंटली अपना यूनियन बजट 2023-24 अनाउंस किया है, जिसमें उन्होंने डिफेंस बजट को तो 13% बढ़ाया है, लेकिन साथ ही साथ एजुकेशन और हेल्थ को भी बढ़ाया है। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे, कंपैरिजन नहीं करेंगे, लेकिन सिंपल सा सवाल करेंगे कि अगर इंडिया ने अपना डिफेंस बजट बढ़ाया है तो पाकिस्तानियों के नज़दीक वो पाकिस्तान के लिए बढ़ाया गया है, चाइना के लिए बढ़ाया गया है, या अपनी आर्मी को बेहतर करने के लिए बढ़ाया गया है? बाकी अपना अपना डिफेंस है, ये भी मजबूत करें, ये भी मजबूत करें, आसो मनीर भी करें, ठीक है, हमें भी करें। इंडिया से बेहतर करने चाहिए, तमाम से करने चाहिए, दहशत गर्दों से भी डायलॉग करने चाहिए। आप तो वहाँ पे रह के आए, आप बता रहे इंडिया रह के आए, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के लोग हमारे से नफरत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, कैसी सोच है उनकी? बाबा जी वो बहुत प्यार करने वाले लोग है, नफरत पाकिस्तान में है ज्यादा। आप पाकिस्तानी और आपकी बात कर रहे हैं, ये दूसरे से मुनाफकत करते हैं भाई। ये जो अंकल ने लास्ट में बात करी, दिल जीत लिया उन्होंने वो, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है, वो इंडिया में रह के गए गाइस। ये चीज होती है कि जब अच्छे लोग जो बोलते हैं, शोएब भाई हैं जो इंटरव्यू लेते हैं, बहुत अमेजिंग तरीके से लेते हैं वहां के रियल एंटरटेनमेंट टीवी से जो है, और साथ ही साथ आज जैसे उन्होंने बताया वो इंडिया में रहे तो उनने सच्चाई देखी कि यार एक नॉर्मली अगर हम जैसे घूमते फिरते थे ना, हम जिक्र तक नहीं करते पाकिस्तान के बारे में कि बुराई करें कुछ करें, क्यों? क्योंकि हम खुश है, पता है बुराई कब करता है आदमी की, जब वो तंग होता है अपने आप से ही, हाँ। हालात मुल्क के ठीक नहीं होते हैं, ब्लेम डालना होता है किसी पे, तो पाकिस्तान में काफी लोग वो चीज करते हैं और सबको लगता है कि बस इंडिया ही उनके खिलाफ है, साजिश हाँ। करे जा रहे, जबकि ऐसा नहीं है वो चीज। टू बी प्रैक्टिकल, आज उसके हालात के जिम्मेदार खुद ही है वो, और इंडिया की एक चीज भाई देख रहे हो, बजट इतना स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं इंडिया हर तरीके से, हर फील्ड में, साथ साथ जैसे अब वो फाइटर जेट्स, वो क्या कहते हैं हाँ। वो उसके लिए ताकि पेट्रोलिंग में काम आएंगे वो ऊंचाइयों पे, वो जो थे ड्रोन्स नहीं, वो जो जैकेट ने जैकेट हाँ, उस जेट्स जो जो सोल्जर्स वो पहन के पेट्रोलिंग कर सकेंगे हाइट पे, वो चीज भी अच्छी है। इंडिया बहुत एडवांस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ताकि आपको यही पता है कि जितना शुक्र करो, ये नहीं बोला कि क्या हम कैच करने वाले थे, पता है कि आपका देश तभी स्ट्रॉन्ग हो सकता है
जब आपकी मिलिट्री स्ट्रांग होगी, और जब आपकी मिलिट्री स्ट्रांग होगी, सिक्योरिटी आपके देश में अच्छी होगी, तो तभी बाहरी कंपनियां आनी चाहेंगी, लोग घूमने आना चाहेंगे, तभी आपकी ग्रोथ होगी इकोनॉमिकली भी। जबकि आप पाकिस्तान में देख रहे हो, कभी मस्जिद में धमाका हो जाता है, कभी स्टेडियम के आसपास हो जाता है, तो उस वजह से क्रिकेट तो छोड़ो, लोग घूमने के लिए भी डरते हैं कई बार कि भैया क्या सिचुएशन है, तो उनकी इकोनॉमिक, एक कंट्री की इकोनॉमिक टूरिज्म पे भी डिपेंड करती है, बाहर की कंपनी आके इन्वेस्टमेंट करती है उस चीज पे भी करती है, बहुत चीजें होती हैं। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले वही बात, मिलिट्री स्ट्रॉन्ग, सिक्योरिटी सिक्योर, जब तक आप फील नहीं करोगे वहां किसी भी चीज की नहीं है। आप अपने घर में चैन की नींद तभी सो पाते हो आप सिक्योर फील करते हो, है ना, और जब नहीं सिक्योर फील करते आप 24 घंटे एक चौकीदार की तरह बैठ जाओ घर में, अरे भाई कोई आ सकता है, कोई आ सकता है, और फिर जब खुद ही डरोगे आप अपने घर में, तो बाहर का तो वैसे ही नहीं आना चाहेगा। ये चीज है जो कि मैं आप लोग से शेयर करना चाहता था, बाकी कमेंट में आप लोग जय हिंद लिख देना, वीडियो कर दें शेयर, ताकि और लोगों तक भी वीडियो पहुंचे, और मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।